Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. So, आज की इस वीडियो में हम HCF means highest common factor find out करेंगे 60 and 192 का by division method. इस method में आपको बताया कि जितनी भी values होती हैं हमारे पास यहाँ पे उन्हें हमें एक साथ ही और एक ही number से divide करना होता है तब तक कि वो एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं और जब वो एक सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते तो हम उसे मज़ीद डिवाइड नहीं करते और हमें अपने डिवीजन को वहीं पे रोकना होता है और उसके बाद ही हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. इसे डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनमें हमारे पास है 60 और 192. दोनों वैल्यूज सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या 2 से डिवाइड हो सकती हैं. 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर 2, 4, 6, 8 मीन्स इवन नंबर्स है तो वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है. यहाँ पर हमारे पास 0 भी है और 2 भी है. 2 इवन नंबर है यानी दोनों 2 से डिवाइड हो सकती हैं. तो अभी हम इन दोनों वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है 3 पे और इस 0 को हमने ऐसे ही कॉपी करना है. 2 के टेबल में 19 तो नहीं आता लेकिन उससे छोटा नंबर 18 बिल्कुल आता है और वो आता है 9 पे जबकि असल में हमारे पास था 19. 1 हमारा रिमाइंडर है वो 1 चला गया इस 2 के पास और ये बन गया 12. 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे. अभी भी देखिए हमारे पास यहाँ 0 और लास्ट में यहाँ 6 है. दोनों अभी भी 2 से डिवाइड हो सकती हैं वैल्यूज. 2 के टेबल में 3 नहीं आता उससे छोटा नंबर आता है 2 और वो आता है 1 पे जबकि यहाँ असल में 3 था. तो जो हमारा 1 डिजिट है वो रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10. 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे. 2 के टेबल में 9 भी नहीं आता उससे छोटा नंबर आता है 8 और वो आता है 4 पे जबकि 1 हमारा रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास और ये बन गया 16. 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे. अब हम दोबारा से चेक करेंगे कि क्या ये अभी भी दोनों वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती हैं या नहीं. यहाँ हमारे पास 15 आ चुका है. 15 के लास्ट में 5 यानी कि ऑड नंबर है इसलिए पॉसिबल नहीं कि ये अभी भी 2 से डिवाइड हो सके जबकि ये वैल्यू अभी भी 2 से डिवाइड हो सकती है लेकिन हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इनमें से एक वैल्यू ऐसी आ गई है जिसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते और HCF में ज़रूरी है कि जितनी भी वैल्यूज हों उन्हें तभी डिवाइड कर सकते हैं जब वो सब एक ही टेबल से डिवाइड हो रही हों. तो अब ये 2 से जो डिवाइड नहीं हो सकती, 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है 3. 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो हमारे पास यहाँ नंबर जो वैल्यू होती है उसके डिजिट्स को हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू आए हमारे पास जो 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है. तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें 1+5 6 होता है. 6 3 का मल्टीपल है यानी कि 15 बिल्कुल 3 से डिवाइड हो सकता है. 8+4 करें तो 12 होता है. 12 भी 3 का मल्टीपल है यानी कि ये वैल्यू भी 3 से डिवाइड हो सकती है. दोनों वैल्यू जो हमारे पास 3 से ईजिली डिवाइड हो सकती है तो हम इन दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे और 3 के टेबल में 4 नहीं आता उससे छोटा नंबर 3 आता है 1 पे जबकि 1 हमारा रिमाइंडर है वो चला गया इस 8 के पास और ये बन गया 18. 3 के टेबल में 18 भी बिल्कुल आता है 6 पे. अब आ चुका है हमारे पास यहाँ 5 एंड 16 में 5 आपको पता है प्राइम नंबर है सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकता है और 5 के टेबल में 16 तो बिल्कुल नहीं आता यानी कि ये दोनों सेम टेबल से अब डिवाइड नहीं हो सकते. फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे मजीद डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि अब हम इसका HCF इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरह? जिन नंबर से हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर रहे थे जब तक ये डिवाइड हो रही थी उन्हें करना है हमें आपस में मल्टीप्लाई HCF फाइंड आउट करने के लिए. 2 × 2 × 3 2 × 2 = 4 and 4 × 3 = 12. जी तो 60 and 192 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 12. देखा आपने कितनी इजीली हमने इसका HCF जो फाइंड आउट कर लिया. आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है. अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.